वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम ऐसा टोनर बनाने जा रहे हैं होममेड रोज़ पेटल से, जो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, बेदाग चमकदार स्किन बनाएगा। और सिर्फ घर बैठे बैठे, अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप घर पे प्योर रोज़ वाटर बना सकते हैं। आप इस टोनर को सिर्फ 7 दिन करके देखिए, आप खुद ही फील करेंगे, आप खुद ही देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी शाइनी हो गई है। और अगर आपकी स्किन पर कोई किसी भी प्रकार के डार्क स्पॉट्स रह चुके हैं, उन्हें भी ये धीरे धीरे हल्का करने लगेगा। आखिर कौन नहीं चाहता है कि उनकी स्किन खूबसूरत हो, मुलायम हो? उसमें कोई शक नहीं है कि आपकी बेदाग और कोमल त्वचा खूबसूरती में चांद लगा देती है। इसके लिए महिलाएं कई तरह के केमिकल यूज़ करते हैं जिनसे उनका स्किन ख़राब हो जाता है। इसीलिए आज मैंने एक आपके लिए ऐसा टोनर लेके आई हूँ जिसका यूज़ करके आप अपनी स्किन पर नेचुरल ग्लो ला सकते हैं। डार्क स्पॉट्स जो होते हैं वो क्लियर होंगे। सिर्फ 7 दिन के रिज़ल्ट में आप देखेंगे। आपको बस कंटिन्यूस अप्लाई करना है उसे और रियली आप रिज़ल्ट देखिए। मेरे पास रोज़ पेटल थे, मैंने उस रोज़ पेटल को क्या करा है, अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने उसे कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया और उसे अच्छे से आप ड्राई कर लेंगे, उसमें कोई पानी ना हो। क्यों? क्योंकि हमने उसे वॉश किया हुआ है, जो भी गंदगी थी हमने उसे निकाल दी है। अब हम क्या करेंगे, वो रोज़ पेटल जो ड्राई हो गए हैं उसे एक डिश में निकाल देंगे। और मैंने फिर एक बाउल लिया है, उस बाउल में मैंने एक गिलास पानी डाला। पानी डालने के बाद उसे आप बॉईल कर लेंगे। एक अच्छी स्किन के लिए स्किन का पीएच लेवल संतुलित रहना बहुत ज़रूरी होता है। जब आपकी त्वचा का पीएच जो स्तर होता है वो संतुलित नहीं रहता है तो आपकी स्किन पर कई प्रकार के प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है, पिंपल्स आने लगते हैं और इचिंग होने लगती है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आने लगती है। जो हम टोनर बनाने जा रहे हैं इसका यूज़ करके आप अपनी स्किन, अगर आपको जो एजिमा नाम की कोई स्किन प्रॉब्लम्स हैं तो उसको आप दूर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से काम करता है और ना ही आपकी स्किन पर इसे होने देगा। अब मैंने ये रोज़ पेटल को थोड़ा सा बॉईल होने के लिए रख दिया है। मैं इसे 10 मिनट तक बॉईल करूँगी जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया है, पूरे पेटल ने कलर छोड़ दिया है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे आप निकाल लें एक बाउल में। जब इसे आप एक बाउल में निकाल लेंगे, अगर आप चाहें तो आप इसमें एलोवेरा जेल डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें विटामिन ई ऑयल डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें ग्लिसरीन डाल सकते हैं। मैं जब भी अप्लाई करती हूँ मैं इसमें ग्लिसरीन डालना पसंद करती हूँ। आप इस टोनर को दिन में 3 बार अप्लाई करें और आप खुद रिज़ल्ट देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी क्लियर हो गई है, कितनी शाइनी हो गई है।